पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का आयोजन IMS कॉलेज गाजियाबाद में किया गया। नवीन अग्रवाल, विनयशील व प्रेरणा अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का समापन अवार्ड सेरेमनी के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री जरीना वहाब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा को फेम अवार्ड, लोहिया ग्लोबल के चेयरमैन विनीत कुमार लोहिया, फिल्म मेकर एडवोकेट नीलेश शर्मा प्रेस्टीजियस अवार्ड, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर रमेश चंद्र गोट को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा फीचर फिल्म जग्गू की लालटेन के लिए नीरज गुप्ता को बेस्ट एक्टर डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया। करीब 389 फिल्मों की एंट्री हुई, जिसमें से ज्यूरी मेंबर द्वारा 40 फिल्मों का चयन अवार्ड के लिए किया गया। इस अवार्ड कार्यक्रम में एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, राइटर सहित फिल्म जगत से जुड़े अन्य लोगों को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा मशहूर एंकर संतोष टंडन सहित और भी कई गणमान्य व्यक्तियों को गेस्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया। कि मैं बचपन से मुझे फिल्मों का बहुत शौक था देखने का, तो मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाके भविष्य में फिल्म डायरेक्टर बनूंगा और एक्टर बनूंगा। उसी से निकला ये फिल्म फेस्टिवल कीफा। हम लोगों ने एक्चुअली एक फिल्म बनाई थी बावली, तो उसको वो हमारी फिल्म काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, बहुत अवार्ड्स मिले। तो वहाँ से हमको लगा कि जब देखते थे ना तरह तरह की फिल्में आती हैं, तो वहाँ बहुत कुछ था, तो हमको लगा कि हम लोग एक ऐसा ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को जहाँ पर अच्छी फिल्में आएँ और ऑनेस्टी के साथ में अवार्ड। नहीं, जैसे टीटू अंबानी है, बहुत अच्छी फिल्म है, सोंगिया है, मराठी फीचर फिल्म है, और जग्गू की लालटेन है, बहुत अच्छी फिल्म है, नीरज गुप्ता जी उनको डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट एक्टर का, और बहुत सारी शॉर्ट फिल्में हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिन्होंने अच्छा उस पर काम किया हुआ है। तो हम लोगों का ऐसा रहता है कि हर कैटेगरी में जो भी फिल्में अच्छी हैं, वो चाहे चार हो, पाँच हो, छः हो, ये नहीं देखते कि एक कैटेगरी में एक फिल्म आ गई तो उसको देके ख़त्म करें। नहीं, अगर एक कैटेगरी में चार, पाँच, छः, आठ, दस फिल्में तो भी हम सबको देते हैं। टैलेंट के ऊपर, उसके मेकिंग पे है, उसका सब्जेक्ट कैसा है, वो हमको क्या मैसेज दे रहा है। हाँ, जिनको चांस नहीं मिलता है या जो कई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ऐसी फिल्मों को, छोटी फिल्मों को, छोटे बजट की फिल्मों को, उनको चांस देना मुझे लगता है फेस्टिवल का, कीफा का भी और हमारे और भी फेस्टिवल्स हैं, उनका उद्देश्य यही रहता है कि छोटे फिल्म मेकर्स को चांस मिले और उनकी सिनेमा को कुछ पब्लिसिटी मिले, लोग देखें, सराहें, अवार्ड मिले। ये तो उसके लिए कीफा जैसे अवार्ड, जो ये कीफा 3 है, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, तो ये तीसरा साल है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। और हमारे कीफा के जो मेकर हैं, हमारे साथ ही खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि नवीन अग्रवाल जी, प्रेरणा अग्रवाल जी अंदर बिजी हैं, तो नवीन अग्रवाल जी हैं जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, विनयशील और तीन लोग मिल करके, तो मैं चाहता हूं कि ये बोलें अपने फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि मेरा तीसरा साल है और मैं तीसरे साल से लगातार आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी नीयत के साथ बहुत अच्छा एक सिनेमा है, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे भरोसा है। मैं एक मेरा एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर की बात करता हूँ हमेशा, कि कल को आपकी फिल्म देख करके मतलब निर्भया जैसा कांड ना हो, कल को आपकी फिल्म देख करके कोई वायलेंस ना हो, मर्डर ना हो। यंग जनरेशन में बहुत जल्दी असर पड़ता है, क्योंकि अभी देखिए एक बच्चे का एक केस मैंने सुना छत्तीसगढ़ का, जिसने अपने एक 9 साल के 6 साल के बेटे बच्चे को किडनैप कर लिया और उसको मार दिया। किस बच्चे ने, जो 9वीं क्लास में है। अब सोचिए कहाँ से, उसने बोला CID से मुझे वो मिली, इंस्पायर हुआ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा एज ए फिल्म मेकर वी आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितनी वायलेंस दिखानी है, कितना सेक्स दिखाना है, किस तरीके की चीज़ें दिखानी है, कहीं निर्भया कांड जैसा कांड ना होता, कि उनको प्रेरित ना हो वो उस तरीके से। मेरा बस यही मानना है, क्योंकि मैं, मेरे बच्चे जब ऐसा कुछ करेंगे तो मेरा सबसे बड़ा, मैं अपने आप को दोषी मानूंगा कि मेरी वजह से हुआ है। क्रिटिक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या हिदायत देना चाहूँगा? डाउनलोड ही मत करो उसको। OTT के लिए क्या कहना चाहिए कि उनको क्या? नहीं, गलत है, बहुत सारे हैं अच्छे वाले चैनल भी हैं, उसमें नेटफ्लिक्स भी है बाय द वे, और भी
तुम उल्लू की बात कर रहे हो, मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, अमेजन प्राइम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें ये चीज़ें भरी पड़ी हैं कुछ यंग जनरेशन को उकसाने के लिए और मतलब वो करने के लिए, उन गालियाँ, सेक्स, वायलेंस ये सारा भरा जाता है जानबूझ के, डबल मीनिंग के डायलॉग, फलाना ढिकड़ा, तो ये तो गलत बात है, ये आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। हाँ, जब जरूरी है, पाताल लोक है, फैमिली मैन है, इसमें गालियाँ हैं लेकिन ठूंसी नहीं गई हैं, अच्छे से है, बढ़िया से है, नेचुरल एंड निकलती है एज ए करेक्टर वाइज जो है जो जरूरी है। मैं कीफा की काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की पूरी टीम को, विशेष तौर पर नवीन अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जो इतना इन्होंने बेहतरीन एक आयोजन किया। ये गत कई वर्षों से इस आयोजन को करते आ रहे हैं, पिछले वर्ष भी मुझे याद है कि हमें हमारी कंपनी को एक अवार्ड मिला था और इस वर्ष हमारी कंपनी को 3 अवार्ड मिले, विशेष तौर पर हमारे जो भाई गुलफाम जी हैं, इन्होंने जो एक अच्छी एक्टिंग करी है एक म्यूज़िक एल्बम में, इनको भी अवार्ड मिला। एक हमारी मूवी जग्गू की लालटेन को जो जनता ने इतना पसंद किया, दर्शकों की बहुत पसंद, और साथ में कीफा की टीम ने मूवी देखी और कीफा की टीम को मूवी अच्छी लगी, पसंद आई, तो उन्होंने भी मुझे जो है इस लायक समझा कि बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवार्ड मुझे दिया, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पूरी कीफा की टीम को, और आगे भी इसी प्रकार का आयोजन करते रहे और हम भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। अभी हमारी 3 मूवीज़ हमारी कंपनी की पाइपलाइन में, बड़ी मूवीज़ बहुत जल्द आप पचायतन मूवी देखेंगे, उसमें मेरे साथ आप रिया सेन जी, तारा लीशा जी, हेमंत पांडे जी का बेहतरीन एक आप अभिनय देखेंगे मूवी में, एक बहुत ही सुंदर एक हम चित्र और ला रहे हैं और लाते रहेंगे कंटिन्यू। गुलफाम जी, अगर आपके सॉन्ग की बात करें जो यहाँ पे आपका मतलब अवार्ड मिला है, क्या फील कर रहे हैं आपको सॉन्ग के बाद, आपको कैसे? बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था कि सॉन्ग करने के बाद, पहले तो उस पर बहुत अच्छे पब्लिक ने बहुत सराहा कि मैं एक मोटिवेशन लोगों को मिला, जिमों में वो बहुत गाना प्ले हुआ, और उसके बाद मुझे ये बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। बस मैंने नीरज भैया ने मौका दिया और श्रीहंस के थ्रू मुझे मौका मिला, तो बस मैंने कोशिश की थी कि अपनी डिसेबिलिटी में से एबिलिटी को दिखाने की, और उसी एबिलिटी की वजह से आज ये अवार्ड मेरे पास है। देखिए, पहली बात तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस तरीके से जरीना बहाव जी हमारी बहुत पुरानी अभिनेत्री हैं, और आदमी एक व्यक्ति की, इंसान की एक उम्र होती है, और उस उम्र के बाद अगर उसको इस तरीके का अवार्ड या उसको बुलाकर उनके कर कमलों के द्वारा लोगों को सम्मानित किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये, और मैं उनके सारे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि कीफा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करके और लोगों को सम्मानित करके जो नई जनरेशन है, जो हमारे नए आर्टिस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है, और आज जिन लोगों को अवार्ड मिला और जो लोग हाल में बैठे हुए थे आज नहीं मिल पाया है, वो अगली बार विल बी ट्राई दैट कि उनको एक अच्छा अवार्ड मिले, और मेरी शुभकामनाएँ हैं इफा अवार्ड के लिए, और आगे और अच्छे लोगों को प्रमोट करके मंच पर एक लाया जाए, ये एक अच्छा प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। काशी फिल्म फेस्टिवल में एक बार फिर से हमें श्रीहंस टीम को मिला है एक बेस्ट डेब्यू अवार्ड, जो कि नीरज गुप्ता जी को मिला जग्गू की लालटेन के लिए, साथ में करके दिखा मिस्टर गुलफाम को, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग था, लोगों ने बहुत पसंद किया, और साथ ही अपंग, जो कि हर युवाओं को, हर जितने भी लोग पैसे वाले होते हैं अपने बच्चों को अपंग बनाते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए पंकज तिवारी जी को मिला, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक बार फिर से हमें नीरज अग्रवाल जी ने और प्रेरणा मैम ने हमें मौका दिया, विनयशील जी ने, कि आज इतने अच्छे फिल्म फेस्टिवल में आने का मौका मिला, और विन करने का तो मज़ा ही कुछ और है, तो मीडिया का भी थैंक्स, ऐसे ही अच्छे फिल्म फेस्टिवल होते रहे, एक बार पुनः इनके पूरे टीम को थैंक यू।